आज विजय दिवस है। आज से 50 साल पहले बांग्लादेश में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने अपनी हार मानते हुए आत्मसमर्पण किया था और इस स्वर्णिम अवसर का जश्न मनाने के लिए आज देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सन 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जो पाकिस्तान के सीने में ना जाने कितने सालों तक फांस बनकर चुभता रहेगा। भले ही इस जीत को 50 साल हो गए हैं, लेकिन उस शानदार जीत की तस्वीरें आज भी जिंदा हैं। विजय दिवस के इस 50वें मौके पर देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय की चार मशाल को जलाया था। आज श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा जलाई गई अनंत लौ के साथ विलय किया जाएगा। इस मौके पर एक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। सैन्य इतिहास में इस युद्ध को फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ढाका पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा उनका स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।